हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको शक्ति उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। शक्ति उत्कटासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेकर पैरों को इस तरह ऊपर करें, हाथ नमस्कार की मुद्रा पर, और श्वास छोड़ते हुए सामने समकोण की स्थिति में झुकें। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद फिर सांस लेते हुए सामान्य स्थिति पर। यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना है। 3 से 8 सेकंड रुकने के बाद पुनः श्वास लेकर वापस आएं। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। शक्ति उत्कटासन गठिया के रोगी के लिए बेहद लाभप्रद आसन है। गठिया के दर्द में राहत मिलता है। इस आसन के अभ्यास से एसिडिटी में भी लाभ मिलता है। पैर, जांघ, कमर, पीठ, कंधे, हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। हृदय, फेफड़े, आंते, पैंक्रियाज, लीवर, प्लीहा आदि आंतरिक अंग स्वस्थ बनते हैं तथा इनकी कार्य प्रणाली सुधरती है। रक्त संचार चेहरे की ओर बढ़ने से चेहरा सुंदर बनता है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। शरीर व मन का संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। कमर, जांघ, पेट की चर्बी कम होती है। पैरों की मजबूती में वृद्धि होती है। शरीर की लचक में वृद्धि होकर संपूर्ण शरीर फुर्तीला बनता है। रक्तचाप संतुलित होता है। केश वृद्धि में भी मदद मिलती है। व्यक्ति सर्वप्रिय बनता है और उसका आभामंडल स्वच्छ होता है। यह मुद्रा शिव शक्ति में शक्ति के एक नृत्य की मुद्रा पर आधारित है। इस मुद्रा में उत्कटासन लगाने के कारण इसे शक्ति उत्कटासन कहते हैं। शक्ति उत्कटासन के प्रतिदिन के अभ्यास से मणिपुर, मूलाधार, अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, स्लिप डिस्क के रोगी या नितंब की चोट से रोग से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। किसी गंभीर बीमारी में या उच्च ज्वर की अवस्था या अन्य किसी शारीरिक कमजोरी की स्थिति में भी इस आसन का अभ्यास ना करें। कमर में दर्द हो तो भी इस आसन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। शक्ति उत्कटासन आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी के लिए भी बहुत सहायक आसन है। इसका प्रभाव न केवल शरीर पर बल्कि आपके मन की स्थिति पर भी पूरे जोर से पड़ती है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से शारीरिक के साथ में मानसिक लाभ भी मिलता है। तनाव, अवसाद से ग्रसित व्यक्तियों के लिए भी यह बेहद लाभप्रद आसन है। तो यह था शक्ति उत्कटासन योग करने की विधि व उसके लाभ।